नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एकेडमी में। रेलवे बैंक एंड SSC एग्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शुभ एकेडमी को। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं RRB NTPC GS क्वेश्चंस की सीरीज में 29 दिसंबर को पूछे गए शिफ्ट 2 में GS के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नवंबर 2020 तक व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में नवंबर 2020 तक भारत में कुल कितनी हाई कोर्ट्स हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 25। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, और जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है वह कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। एंड जो हाई कोर्ट में जो चीफ चीफ जस्टिस होते हैं और वहाँ के जजेज होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह फैक्ट भी आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पीएच ऑफ लेमन जूस इज अराउंड। नींबू के रस का पीएच क्या होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 7। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, वह अम्लीय होता है। तो जो अम्ल होता है उसका पीएच हमेशा 7 से कम होता है, और जो क्षार होते हैं उनका पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एसिड होता है उसका पीएच 7 से कम होता है। तो जो लेमन है वह स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच होता है वो हमेशा 1 से 3 की रेंज में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि लेमन जूस का जो पीएच होता है वो 2 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियास लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है जवाहर टनल, ऑप्शन बी है अटल टनल, ऑप्शन सी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल, ऑप्शन डी है नन। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल जो है वह इंडिया के लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, हाईवे टनल पूछा है ना कि ना ओवरऑल टनल पूछा है, जो हाईवे की जो लॉन्गेस्ट टनल है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल है। दोस्तों, आइए इस टनल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इस टनल को पहले चेनानी नाशरी टनल के नाम से भी जाना जाता था, और जो इस टनल की लंबाई है 9.28 किलोमीटर है, और जो कि उधमपुर से रंबन को कनेक्ट करती है, जो कि जम्मू में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन में, ऑप्शन डी है पेरिस में। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वह पेरिस में स्थित है, एंड जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जो कि उसका हेडक्वार्टर पेरिस में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स की वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद रख करवाएं, जो कि आपके रेलवे एंड SSC एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जो जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी है अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, या खुद राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है नन। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्टिकल 108 भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है उसमें कहा गया है कि जो स्पीकर होगा लोकसभा का वही अध्यक्षता करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा की। इसमें 2 पॉइंट होते हैं कि जो जॉइंट सिटिंग जो है लोकसभा और राज्यसभा की, उसको बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, बट उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ना करते हैं।
तुझे है पॉइंट आप याना याद है ना तकिएगा, और जो आर्टिकल भी आप याद है ना तकिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेरी बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी। बेरी बेरी जो रोग है वह किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शन है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी जो रोग है वह विटामिन B1 की कमी से होता है। आइए आइए कुछ और रोग जान लेते हैं जो कि विटामिन की कमी से होता है। जो विटामिन B1 की कमी से होता है वह बेरी बेरी रोग होता है। एंड जो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी कहते हैं, और जो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको रिकेट्स कहते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरेबियन सी में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अवब। सो दोस्तों इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ताप्ती नदी है वह अरेबियन सी में गिरती है, और जो ताप्ती नदी का उद्गम है वह मुल्तई की बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है, और वहीं पे जो गोदावरी नदी है उसका जो उद्गम होता है नासिक डिस्ट्रिक्ट से होता है, और तथा वह बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और वहीं पे जो कृष्णा नदी है उसका जो उद्गम होता है वह सतारा डिस्ट्रिक्ट से होता है तथा वह बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यह फैक्ट भी आप सब याद है ना रखिएगा। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू ब्रियोफाइटा। ब्रियोफाइटा में कौन सा प्लांट बिलोंग करता है? ऑप्शन ए मार्सीलिया, ऑप्शन बी है दियोदर, ऑप्शन सी है केल्डोफोरा, ऑप्शन डी है मर्चेंटाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मर्चेंटाई, मर्चेंटाई। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अवार्डेड द भारत रत्न इन 2019। 2019 में किसको भारत रत्न नहीं मिला है निम्नलिखित में से? सो ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है नानाजी देशमुख, ऑप्शन सी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर भूपेन हजारीका। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2019 का भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत रत्न अवार्ड है वह इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। एंड इस अवार्ड में क्या है कि प्रत्येक वर्ष 3 से ज्यादा व्यक्ति को यह अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में ना क्या बोलते भारत रत्न अवार्ड मिला था, और वहीं पर नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी जी एंड भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न अवार्ड 2019 में मिला। तो आप यह फैक्ट भी याद ना रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। निम्नलिखित में से कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है त्रिशूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मोस जो है वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वह भारत के DRDO एंड रशिया की एक कंपनी के द्वारा जॉइंट वेंचर के माध्यम से डेवलप की गई थी। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो उन मिसाइलों को सुपरसोनिक क्यों कहते हैं? अगर उस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज हो जाएगी तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक मिसाइल, अगर उस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर रहेगी तो उसको बोलेंगे सोनिक मिसाइल, और अगर उस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से अगर कम रहेगी तो उसको बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल बोलेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो साउंड की स्पीड होती है एयर में 243 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो यह फैक्ट भी ना आप याद है ना रखिएगा। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको ओरल ये बता रहा हूँ जो इस स्लाइड में नहीं लिखे हुए हैं। और आइए कुछ और मिसाइल्स के बारे में जान लेते हैं। जो आकाश है वह सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जो पृथ्वी है वह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और जो त्रिशूल मिसाइल है वह शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो आई होप मैं आशा
करता हूँ कि जो फैक्ट्स आपको इन अच्छी तरह लगी होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ अ पर्सन विथ मायोपिया। जैसे कि जिन लोगों को मायोपिया हो जाता है तो उनके विजन को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है। ऑप्शन ए है कन्वर्जिंग लेंसेज, ऑप्शन बी है बाईफोकल लेंसेज, ऑप्शन सी है डाइवर्जिंग लेंसेज, ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल लेंसेज। सो दोस्तों जिन व्यक्तियों को जिन पर्सन को मायोपिया हो जाता है उनके लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है, डाइवर्जिंग लेंस को कॉन्केव लेंस भी कहा जाता है। तो मायोपिया में ना क्या होता है कि उस पर्सन को पास की वस्तु तो है ना स्पष्ट रूप से दिखाई देती पर दूर की वस्तुएं उसको धुंधली दिखाई देती हैं, तो इसीलिए कॉन्केव लेंस का यूज होता है जिन लोगों को मायोपिया होता है। तो यह फैक्ट भी है ना आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइवर्जिंग लेंस, लेंस का यूज होता है मायोपिया के व्यक्तियों को। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1946 एंड ऑप्शन डी है नन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था। मुझे जो कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था उसमें तीन ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जिनमें पहला नाम है पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स से थे और तीसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर थे। तो यह फैक्ट है ना याद है ना रखिएगा क्योंकि इन तीनों का नाम एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में बहुत बार ना पूछा है ना गया है। तो यह फैक्ट आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन। जो कावेरी जल विवाद है वह किन दो राज्यों के बीच में है। ऑप्शन ए कर्नाटक एंड गोवा एंड ऑप्शन बी कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी नन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच का जल विवाद विवाद जो है उसको कावेरी जल विवाद कहते हैं और यह जो विवाद है 1892 से चला हुआ आ रहा है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह उत्तराखंड में स्थित है और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह एक टाइगर रिजर्व है। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स, ऑप्शन बी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी है जनरल सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह इंस्टीट्यूट स्थित है। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटेल कोर i9 क्या है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड, ऑप्शन डी है एंटीवायरस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटेल कोर i9 इज अ प्रोसेसर है। ठीक है चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइथन क्या है। पाइथन क्या है। ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है मालवेयर, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ऑल ऑफ दिस आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जैसे कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं जैसे गूगल हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ऑल ऑफ दिस आर द वेब ब्राउजर्स। एंड मालवेयर क्या होता है एक प्रकार का वायरस होता है
जो कि आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपके डेटा को है ना डिस्ट्रॉय कर देता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है नूरजहां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई थी। और जो गुलबदन बेगम थी वह बाबर की लड़की और हुमायूं की बहन थी, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि हुमायूं नामा जो पुस्तक है वह किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो वह पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो यह फैक्ट भी बहुत बार पूछा जाता है कि हुमायूं नामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है केनिया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ सॉरी ऑप्शन ए, ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंट्री है ब्राजील है, यहाँ पे जिस जगह पर अमेजोन के जंगल है ना पाए जाते हैं। और साउथ अमेरिका की सबसे जो छोटी कंट्री है वह सूरीनामा है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ASCII इज अ कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंग्लिश कैरेक्टर एज अ नंबर, इट इज एक्रोनिम फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी है अमेरिकन सिक्योर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलियन सिक्योर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, समग्र शिक्षा जो स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें कौन कौन सी क्लास कवर है? ऑप्शन ए है नर्सरी से क्लास 12th तक, ऑप्शन बी है क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक, ऑप्शन सी है क्लास फर्स्ट से क्लास 12th तक एंड ऑप्शन डी है क्लास फर्स्ट से क्लास 5th तक। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्सरी से क्लास 12th तक वाले स्टूडेंट्स के लिए यह स्कीम है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी है बेलगांव, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है नन। सो दोस्तों महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में हुआ था। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि 1924 में गांधी जी ने सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जो कि बेलगांव में स्थित था, जो कि बेलगांव में हुआ था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, जातका टेल्स क्या है? जातका टेल्स का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बुद्धिज्म से, ऑप्शन बी है सिखिज्म से, ऑप्शन डी है हिंदुज्म से, ऑप्शन डी है जैनिज्म से। तो सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातका टेल्स का जो संबंध है वह बुद्धिज्म से। तो जातका क्या होता है, एक कलेक्शन होता है स्टोरी का, जो कि उन वे स्टोरीज होती हैं जिसमें गौतम बुद्ध की प्रीवियस बर्थ लाइफ के बारे में बताया गया है, तो उसको जातका ना कहते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 किसने जीता था? ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 का जो आईपीएल है वह मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो इब्ने बतूता है वह कहाँ के रहने वाले थे या वे कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है मोरक्को। सो दोस्तों इब्ने बतूता जो है वह मोरक्को के रहने वाले थे, ऑप्शन डी मोरक्को के रहने वाले हैं, जहाँ की नूरा फतेही भी रहने वाली है। तो यह फैक्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसरो ने इतिहास रचता फरवरी 2017 में क्या करके? ऑप्शन ए है 101 सैटेलाइट को सिंगल फ्लाइट में भेज के, 104 सैटेलाइट को सिंगल फ्लाइट में भेज के, 100 सैटेलाइट को फ्लाइट में भेज के,
और 103 सैटेलाइट्स को इन अ सिंगल फ्लाइट में भेज के। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 104 सैटेलाइट्स को इसरो ने सिंगल फ्लाइट में भेजकर फरवरी 2017 में इसरो ने इतिहास रचा। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिए। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ सार्क। निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है मॉरिशियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान जो है वह सार्क का मेंबर है, जबकि चाइना, म्यांमार एंड चाइना आर नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। इवन मॉरिशियस इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क के ना सार्क का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सार्क है क्या? सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो सार्क की जो स्थापना वह ढाका में हुई थी, एंड जो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू में स्थित है, एंड जो सार्क की स्थापना हुई थी वह 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और जो सार्क में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है वह 7 कंट्रीज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज होस्ट द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। निम्नलिखित में से किस कंट्री ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 को होस्ट किया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है कोलंबिया, ऑप्शन डी है जापान। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 2020 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वह कोलंबिया के द्वारा होस्ट किया गया था, और जो 2021 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वह पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और जो 2021 की जो थीम रहेगी वह रहेगी इकोसिस्टम डी स्टोरेशन, और जो 2020 की जो थीम थी वह थी बायोडाइवर्सिटी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है रन की वाव पटाना जो कि गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी है सन टेम्पल कोणार्क, ऑप्शन सी है अजंता केव्स औरंगाबाद, ऑप्शन डी है जंतर मंतर न्यू दिल्ली। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है के मुंशी, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को है ना भारतीय संविधान का फादर कहा जाता है। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वह भारतीय संविधान को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तथा वह ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तथा ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। और आप सभी को पता है कि भारत के संविधान को बनने में 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम। माइनिंग ऑफ यूरेनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान फेमस है? ऑप्शन ए है जादू गुड़ा, ऑप्शन बी है पन्ना, ऑप्शन सी है रानीगंज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जादू जादू गुड़ा जो है जो कि झारखंड में स्थित है, जो कि यूरेनियम की माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई व्हेन डीमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस ऑन 8 नवंबर 2016। जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी पीएम मोदी जी ने लागू की थी उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है डी सुब्बूराव, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्जित पटेल जी उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे। और जो उर्जित पटेल जी है उस टाइम जो आरबीआई के गवर्नर थे वह आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, और अभी जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी वह आरबीआई के 25वें गवर्नर है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नवंबर 2020 के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन सी है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, वह नवंबर 2020 के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति को लागू किया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलोर का क्या है? ऑप्शन ए है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ऑप्शन बी है फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, ऑप्शन सी मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी है, या ऑप्शन डी है मार्केटिंग आर्म आर्म ऑफ इसरो, इसरो की मार्केटिंग आर्म है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो है एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलोर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रोट द गीता गोविंदा, गीता गोविंदा किसने लिखी है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी है जयदेवा, ऑप्शन सी है रस खान, ऑप्शन डी है मीराबाई। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव ने गीता गोविंदा लिखी थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, वह किस रिफॉर्म या एक्ट के बाद आया था या दौरान आया था? ऑप्शन ए है रोलेट एक्ट 1919 में आया था, ऑप्शन बी है माल्ले मिंटो रिफॉर्म में आया था जो कि 1909 में आया था, या वेवल प्लान में आया था 1945 में, या इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम है वह माल्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, और मिंटो को ही कम्युनल इलेक्टोरेट के जनक कहा जाता है जिन्होंने भारत में कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत की थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मियसलिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड जो बीमारी है वह बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इन 2020? 2020 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे कौन गेस्ट थे? ऑप्शन ए है यूएसए के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है ब्राजील के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है ब्रुनेई के राष्ट्रपति। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति वह चीफ गेस्ट थे भारत के रिपब्लिक डे पर 2020 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एंड ज्यादा से ज्यादा है ना शेयर है ना करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।